आप सभी को मेरा नमस्ते। ये रक्षाबंधन के त्योहार पे हमारे ये थैले आए मिठाई के डिब्बे रख रख के, ये थैले आए हमारे घर में। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये थैले यूज बहुत कम होते हैं। जैसे ये छोटू सा आया था, देखो दिखने में कितना प्यारा है छोटू सा। इनमें हमारे घर में मिठाई डल डल के आई थी, तो इनका मैं एक बहुत ही धमाकेदार यूज बता रही हूँ आपको। और ये जो है ना, ये थैले तो हम यूज कर लेते हैं कि थैली में, जैसे थैली में कुछ भी डाल के दे दिया, ये वैसे यूज हो जाते हैं बिना किसी किसी के उससे, वैसे यूज हो जाते हैं ये। तो ये तो हम रख लेते हैं तय बना के कि भाई कुछ डालना हो तो रख दिया, काम ले लिया या कुछ और कर लिया, ये यूज हो जाते हैं। लेकिन ये वाले थैले यूज नहीं होते। इनका मैं बहुत यूजफुल बताऊंगी और वीडियो बहुत पसंद आने वाली है आपको। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो। तो चलते हैं हम इसके, इसका कुछ करते हैं। ये मेरे पास वेस्ट पजामा था, अब यूज नहीं कर रही मैं इसको, तो हम इसमें से कपड़ा निकालेंगे और इसका यूज करेंगे। ये भी वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल से बना के दिखाऊंगी आपको, इसका हम यूज करते हैं। चलिए, ये इसके अंदर से ये ऐसे चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है। तो इसको हमें उतार लेना है, खोल लेना है इसको। ये चिपका हुआ है, जो भी फट रहा है तो फट जाने दीजिए आप, इसको हमें खोल लेना है इसको। ये जहां जहां से सिला हुआ है उसको हमें काट लेना है, क्योंकि ये वैसे भी फटेगा, अगर हम वैसे सीधा करेंगे तो वैसे भी फटेगा ये। तो ये यहां से सिला हुआ है तो इसको हमने हटा लेना है, सिले हुए को हटा देना है, इसको एक जैसा बना देना है, खोल लेना है पूरे को। जैसे ऐसे था ना, इसको पूरा खोल लेना है हमें। ये हमने इसको कट कर लिया, ये यहाँ यहाँ से सिला हुआ था, ये हमें कट कर लिया है ये हमने। अब हमें क्या करना है कि एक ऐसी थैली एक और लेनी है और इसके नीचे बिछा देना है ऐसे करके, इसके नीचे बिछा के। और ये हमें पूरा चाहिए है, ये जैसे इसको हम इसके नीचे करके इसको पूरा बराबर कर लेंगे, चौकोर कर लेंगे इसको। मतलब ये जो हमने कट करा था ना, क्योंकि ये वैसे सिला हुआ तो होता नहीं है कि भी हम इसको उधेड़ लें और पूरा निकाल लें, तो अब हमें ये पूरा चौकोर बना लेना है पूरा। था वो जो पार्ट जुड़ा हुआ था, वो जो कट करा था, ये हम दूसरा यही इसी का ही थैली का कपड़ा लगा के इसको कंप्लीट करके चौकोर कर लेंगे। हमने कट करा था इसको चौकोर कर लेंगे। चौकोर करने के बाद कर लिया, जो हमने ये काटा था वो सब दूसरी थैली अटैच करके चौकोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक कपड़ा तो ऊपर इसी साइज का लेना है और एक कपड़ा नीचे इसी साइज का लेना है, वो मैं अभी आपको कट करके और फिर दिखाती हूँ। पजामा को सीधे सीधे कपड़ों में कर लिया, मतलब उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं कटाव, कहीं कहीं छटाव था, तो मैंने इक्वल करके और ये पूरा जोड़ दिया है। और एक कपड़ा हमने उसी के साइज का ये लिया है, ये भी मेरे पास पुराना ही कपड़ा था, नया नहीं है, ये भी पुराना ही है। एक कपड़ा ये है और एक कपड़ा ये है, ये हम ऊपर लगाएंगे, ये हम नीचे लगाएंगे। उसके चारों तरफ जो ये हमने बनाया था, इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ये जो एक चार करके रखा था हमने, इसको जैसे भी आएगा ये ऐसे रखेंगे इसको, इसको ऐसे रखा और सिलाई चला दी। अभी मैं बताती हूँ आपको। ये हमने इधर ये वाला पजामे वाला कपड़ा सेट कर दिया, ये वाला कपड़ा सेट कर दिया है। अब हमने इधर चलना है, अब हमें इसके साइज का ये वाला कपड़ा, जो दूसरा एक्स्ट्रा कपड़ा काटा हुआ था, वो हम इधर सेट कर देंगे। अब मैं इस पे सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़ा जोड़ लिया है और इधर से भी कपड़ा जोड़ लिया है, बीच में हमारा वो बैग था ये। तो अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करके, और एक और काम बताती हूँ आप। ये मैंने एक और पट्टी तैयार करी है और वो पट्टी इतनी लंबी है, ये जितने जितना ये लंबा है उतनी ये लंबी है, ये पट्टी इतनी लंबी तैयार करी है। अब हम क्या करेंगे, इसका इसका बीच निकाल लेंगे ऐसे करके,
बीच निकाल के और चौक से निशान लगा लेंगे। ये ऐसे करके मैं इसके बीच में निशान लगा लूंगी और एक लंबी सिलाई लगा लूंगी। मैंने इधर लगाई एक पैर छोड़ के, बीच का एक पैर छोड़ के इधर लगाई, एक पैर छोड़ के इधर लगा रही हूँ, एक पैर छोड़ के एक पैर छोड़ के इधर लगा रही हूँ। ये हमने 8.5 इंच ली थी, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से चौड़ा या लंबा कर सकते हो। लंबा तो उतना ही होगा जितना हमारा है, लेकिन चौड़ा आप उतना ही कर सकते हो। अब मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी। बीच में से कट हो गया, इसमें चेन अटैच करेंगे। ये रखा चेन और चेन अटैच कर देंगे। अब ये हम इसमें एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे, चेन लगा लिए दोनों तरफ, ये हम एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे इसमें, इससे फिर बाहर नहीं दिखेगा। हमने इसके चैन लगा लिया, चैन का पार्ट तैयार कर लिया है। अब क्या कर, ये जो पूरी लंबाई है चौड़ाई है जो भी है, इसका मिड निकाल के और फिर ऐसे उंगलियां रखना है ऐसे, और फिर यहाँ निशान लगा देना है। इधर इतनी ये उंगलियां रखना है और यहाँ निशान लगा देना है, ठीक है। ये निशान लग गया इधर उंगली इधर उंगली। जो हमारा लास्टिक निकला था ना उसको हम कट करेंगे। ये कट कर दिया है, दोनों तरफ से कट कर लेंगे बराबर बराबर, और इनके हम लगाएंगे बद्दियां, यहाँ पे हैंडल्स लगाएंगे इनके। मैंने लास्टिक की बद्दी लगा दी है। अब हम लास्टिक की बद्दी लगाने के बाद अब हम वो चेन वाला पार्ट इसमें अटैच करेंगे। ये मैंने दोनों तरफ से अटैच कर लिया है, ये भी और ये भी अटैच कर लिया है। निकाल ली थी उसको ओवरलैप कर दिया है इसी के कपड़े से, जो बाहर का कपड़ा था उसे कर दिया है। ये इधर से मैंने 3 इंच नाप लिया, इधर से 3 इंच नाप लिया है। अब मैं इसको कट कर दूंगी। इधर से चारों कोनों में मैंने काट लिए, ये भी काट लिया, ये भी काट लिया है। अब हमें इसकी सिलाई लगा देनी है ऐसे। पहले इसको सील लेना है और फिर इसको पकड़ के और इसको पकड़ के सील लेना है। ओपन करके दिखा रही हूँ। इधर से ये जो मैंने कोने कट करे थे ना, ये सारे कोने मैंने सील दिए। इधर से इधर का सील दिया, इधर का भी सील दिया और ये इधर का भी सील दिया है, इधर का सील के और ये इधर सील दिया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके और ये चेन बंद करके, और ये देखिए पूरा हमारा कितना सुंदर हैंडबैग तैयार हो गया है इसका। इसमें आप कपड़े रख सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं। पुराना कपड़ा यूज करके हमने लास्टिक भी वो यूज करा है और ये पूरा एक बैग तैयार हो गया हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। ये देखिए बिल्कुल लग नहीं रहा कि ये बैग आपके वैसे बेकार थैले का बना हुआ है। बिल्कुल देख लीजिए आप, हर तरह से देख लीजिए आप। और ये लास्टिक की भी ये बिल्कुल नहीं लग रही है कि कितनी अच्छी लग रही है ये।
अब इनमें कपड़े डाल के दिखाते हैं हम। इसमें कितना सारा सामान डाल दिया, फिर भी इसमें स्पेस है और इसमें और भी सामान आ जाएगा। और ये देखिए, डालने के बाद आप देखो कितना सुंदर।